नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पितृ पक्ष आरंभ हो चुका है और दोस्तों यह आने वाले 25 सितंबर तक रहेगा। जी दोस्तों, यह समय किसी भी दिन किसी भी समय आप यह दो शब्द का मंत्र पढ़ लीजिए, बोल दीजिए। दोस्तों आपके जीवन काल में आपके शारीरिक कष्ट दूर होंगे, पितृ दोष आपके समाप्त होंगे और पितृ दोष आपके पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। घर आपके धन दौलत से भर जाएगा, खुशियों की कभी भी घर में कमी नहीं होगी। जी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इस पितृ पक्ष में आपको यह दो शब्द का मंत्र का उच्चारण करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम दोस्तों महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दें। महादेव का शुभ आशीर्वाद आपके और आपके परिवारों के ऊपर सदैव रहेगी, कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दी कि पितृ जो पक्ष होता है वह हमारे लिए सौभाग्य की बात होता है। पितृ पक्ष में हमारे पितृदेव हमारे इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिस लोक में हमारे पूर्वज रहते हैं वहां से इस धरती पर पितृ पक्ष के दौरान आते हैं और वह अपने संतानों से अपने वंशजों से मुक्ति के लिए बहुत ही खुशी के साथ आते हैं। जय दोस्तों, और जो भी उनके वंशज अपने पितरों की मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं। दोस्तों उनके जुनकाल में उनके पूर्वज उनके पितरों कभी भी उनके संकट समस्याओं को रहने नहीं देते, सभी संकट समस्याओं को अपने साथ लेकर वह अपने लोक में चले जाते हैं। जी दोस्तों, और यह समय भी आप सभी के जुनकाल में बहुत ही अच्छा मौका है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। जी दोस्तों, और दोस्तों जो भी वंशज अपने पितरों के मुक्ति के लिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ पक्ष के दौरान कुछ भी नहीं करते हैं, तो दोस्तों उनके जो पितर होते हैं वह नाराज हो जाते हैं और दोस्तों उनके संतान उनके श्राप के भागी बन जाते हैं। और दोस्तों उनके जुनकाल में विभिन्न प्रकार की संकट समस्याएं चलती रहती है। साथी दोस्तों उनके जुनकाल में संतानों को लेकर आने वाले वंशजों को लेकर बहुत प्रकार की समस्याएं चलती रहती है। तो दोस्तों ऐसे में इस पितृ पक्ष के दौरान आपको कौन से दो शब्द के मंत्रों का जाप करना है ताकि दोस्तों आपके सारे पितृदेव प्रसन्न हो जाए और आपको खुशियों से सराबोर कर दे, आपके घर परिवारों पर उनके आशीर्वाद सदैव रहे। जी दोस्तों, तो दोस्तों मंत्र इस प्रकार है, बिल्कुल ही इस मंत्र का आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मंत्र को उच्चारण करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना यह समय बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। जी दोस्तों, जैसे कि इस पितृ पक्ष के दौरान आपको कोई भी गलत कार्यों को अपने हाथ पर नहीं लेना है। जी दोस्तों, जिस कार्य में बहुत ही ज्यादा रिक्श हो, जिस कार्य में थोड़ा सा दुर्व्यवहार हो, दोस्तों ऐसे कार्यों में आपको बिल्कुल भी संलग्न नहीं होना है। साथी दोस्तों आपको बता दें कि पितृ पक्ष के दौरान आपको बिल्कुल ही शुद्ध व्यवहार के रहना है। जी दोस्तों, कोई भी गलत काम इस दौरान आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों पितृदेव के दोस्तों पितरों के जो देवता होते हैं वह भी इनसे नाराज हो जाते हैं। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों यश में आपको मांस मदिरा जैसी चीजों का भी सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बात, दोस्तों हमारे जो पितृ होते हैं वह बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वह हमेशा अपने घर में सुख शांति रखना चाहते हैं, वह कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में दुख हो। और दोस्तों इन सभी के लिए वह चाहते हैं कि घर में शांति बनाकर रखें। तो दोस्तों इन पितृ पक्ष के दौरान अगर आप पितरों के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो दोस्तों अपने घर में शांति बनाकर रखिएगा। कभी भी अपने से बड़ों का या फिर अपने से छोटों का निरादर भूल कर भी यह समय बिल्कुल ना कीजिएगा। जी दोस्तों, इनसे आपके जो पितर हैं वह प्रसन्न होंगे और आने वाले समय में आपके जुनकाल के सारे व दुखों को हर लेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पितृ पक्ष के दौरान अगर आपके जुनकाल में बहुत सारी उलझने चल रही है, बहुत सारी संकट समस्याएं चल रही है जिनसे आप बिल्कुल भी उभर नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों इस पितृ पक्ष के दौरान आपको आटे की गोलियां बनाना है। जी दोस्तों ध्यान सुनिएगा, आटे की गोलियां बनाना है, उसमें थोड़ा सा आपको शक्कर भी मिला देना है। और दोस्तों वह गोलियां आप पितृ पक्ष के दौरान किसी भी दिन आप तालाब में या फिर ऐसे जगह पर बहा दें जहां पर मछली हो। दोस्तों वह मछली जब जब आपकी आटे की गोलियां खाएगा तब तक दोस्तों आपके जुनकाल के जितने भी पाप है वह खत्म होंगे और दोस्तों पुण्य के भागी आप बनेंगे। और दोस्तों इनसे पितृ पक्ष में भी आपके जो पितृदेव हैं वह प्रसन्न होंगे
आपको पितृ दोषों से मुक्ति मिलेगी। जीवन काल में सभी प्रकार की सकारात्मक कार्य बनना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथी दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान आपको कुशा, पुष्प, अक्षत, शुद्ध जल या फिर गंगा जल सहित पूजन, पिंडदान, तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन फल वस्त्र दक्षिणा आदि का दान करने से पितृदोष शांत होता है। दोस्तों अगर आप यह नहीं कर सकते तो आपको बता दें कि इस दौरान आप किसी गरीब असहाय व्यक्ति को आपको बता दें कि 1 रुपये का सिक्का दे दें और उन्हें अपने घर के बनाए हुए भोजन को भी ग्रहण करवाएं। इससे भी दोस्तों पितृदोष शांत होते हैं और आपकी जो भी पूर्वज है वह प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और अगर संभव हो तो पीपल का वृक्ष अपने हाथों से लगाकर इसकी सेवा करनी चाहिए। इस दौरान से किया गया यह सेवा इससे पितरों को संतुष्टि मिलती है और वो अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। शादी दोस्तों कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जिन्हें पढ़ने और सुनने मात्र से आप शिव के जीवन काल में आपके सारे पितृदोष समाप्त होंगे और जो पितृदोष है वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा और जीवन काल में आपको हर प्रकार की खुशियों की प्राप्ति होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे सभी धार्मिक कार्यों में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिनमें मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। श्राद्ध में भी इनका विशेष महत्व है। इसी तरह सूक्त कई है, 2 सूक्त का उल्लेख पर्याप्त होता है। पहला है पुरुष सूक्त और दूसरा है पितृ सूक्त और इनके उपलब्ध होने पर आपको इन मंत्रों का उच्चारण करना है और इनसे भी सारे पितृदोष समाप्त होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मंत्र है जिन्हें आप बिल्कुल ही ध्यान सुनिएगा। ये दोस्तों यह मंत्र है ओम कुल देवताए नमः। दोस्तों इस मंत्र का जाप आपको पितृ पक्ष के दौरान बिल्कुल ही अकेश बार तक करना है। जी दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि दूसरा मंत्र है ओम कुल देव्य नमः। इस मंत्र का भी आपको अकेश बार जाप करना है, अपने मन में भी करना है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें अगला तीसरा जो मंत्र है वह है ओम नाग देवताए नमः। इसका भी आपको अकेश बार तक पाठ करना है, अकेश बार उच्चारण करना है। साथ ही चौथा जो मंत्र है वह है ओम पितृ देवताए नमः। इस मंत्र का आपको पितृ पक्ष के दौरान 108 बार जाप करने हैं। और दोस्तों पांचवा जो मंत्र है वह है ओम पितृ गणाय विघ्ने जगत धारणी धीमाहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात। इस मंत्र का आपको कम से कम 1000 से लेकर 1 लाख के बीच में करने हैं। जो दोस्तों बहुत ही खास मंत्र हैं, आप कम से कम 1000 कीजिएगा और अधिकतम इस मंत्र का जाप आप 1 लाख बार कीजिएगा। दोस्तों अगला जो मंत्र है बहुत ही खास मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप महादेव के समक्ष जाकर करना है। दोस्तों यह मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विघ्ने महादेवाय च धीमाहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। दोस्तों इस मंत्र का जाप अपने मन के अनुसार आप कर सकते हैं, जितना बार आपका मन बोले आप उतना बार कर सकते हैं। दोस्तों इन मंत्रों से आपकी जीवन काल की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जो भी आपके पितृदोष है वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा, घर धन से मालामाल हो जाएंगे। शायद दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको गरीबों की मदद करना है, ब्राह्मणों का पेट धोना है और उन्हें भोजन दान दक्षिणा करना है। जो भी आपके मन में हो इच्छा उन सभी का यश में दान करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह जानकारी आपको बहुत ही पसंद आया है। दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।